हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम टरबाइन के ऑयल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक पावर प्लांट की स्टीम टरबाइन में गवर्निंग सिस्टम लगा रहता है। जब टरबाइन में अगर लोड बढ़ जाता है तो टरबाइन की स्पीड कम होने लगती है, आरपीएम कम होने लगता है, तो उस समय हमें हमारा स्टीम का इनलेट वाल्व थोड़ा ज़्यादा खोलना रहता है ताकि ज़्यादा स्टीम आए और हमारा आरपीएम मेंटेन रहे। उसके लिए हम गवर्निंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा लुब्रिकेशन सिस्टम के लिए बहुत सारी जगह में ऑयल का इस्तेमाल होता है। तो टरबाइन के ऑयल सिस्टम के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं, किस तरह के पंप्स का इस्तेमाल होता है उसी बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आपको आखिरी तक बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। भाई लोग, जैसा कि आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप सोलो राइड करते हैं, बाइक चलाते हैं, अकेले बाइक चलाते हैं, तो कम फ्यूल लगता है, कम फ्यूल की खपत होती है। लेकिन जब आप दो जन को बैठा के चलाते हैं या डबल बाइक चलाते हैं, तब ज़्यादा फ्यूल की खपत होती है। उसी तरह पावर प्लांट में भी होता है, जब टरबाइन के ऊपर लोड बढ़ने लगता है तब टरबाइन की स्पीड कम होने लगती है, तब हमें ज़्यादा स्टीम इनलेट से भेजना पड़ता है टरबाइन की स्पीड को मेंटेन करने के लिए। या फिर जब टरबाइन के ऊपर से लोड कम होने लगता है तब टरबाइन की स्पीड बढ़ने लगती है, तो हमें उस हिसाब से स्टीम का इनलेट हमें मेंटेन करना पड़ता है। और उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं गवर्निंग सिस्टम का। गवर्निंग सिस्टम को यूज़ करने के लिए गवर्निंग सिस्टम इस्तेमाल करता है ऑयल। ऑयल के थ्रू सब चीज़ जो वॉल्व्स है टरबाइन के, इनलेट वॉल्व्स है या फिर गवर्निंग गियर्स हैं, वह सब कंट्रोल होते हैं। गवर्निंग सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन बेसिकली इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि जो ऑयल सिस्टम है, टरबाइन का ऑयल सिस्टम है, वह इस्तेमाल होता है इस गवर्निंग सिस्टम में ऑयल देने के लिए। और इसके अलावा जैसा कि आप लोग जानते हैं, टरबाइन का जो शाफ्ट है वो जर्नल बियरिंग के ऊपर रेस्ट करता है, और जर्नल बियरिंग में फिल्म लुब्रिकेशन होता है जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऑयल लुब्रिकेशन होता है जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो उस ऑयल लुब्रिकेशन के लिए भी इस टरबाइन ऑयल सिस्टम से ही ऑयल दिया जाता है। अब मैं सबसे पहले आपको फंक्शन बता देता हूँ कि टरबाइन ऑयल सिस्टम का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया है, जनरल बियरिंग में फिल्म लुब्रिकेशन के लिए ऑयल सिस्टम से ही ऑयल दिया जाता है। इसके अलावा टरबाइन के बियरिंग के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी टरबाइन ऑयल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, स्टीम इनलेट वॉल्व को कंट्रोल करने के लिए और गवर्निंग सिस्टम के लिए भी इस ऑयल सिस्टम का यूज़ किया जाता है, लेकिन छोटे पावर प्लांट में। बड़े पावर प्लांट में इनके लिए अलग से ऑयल सिस्टम रहता है। इसके अलावा कुछ और छोटे मोटे एप्लीकेशन है सीलिंग के, सीलिंग प्रोवाइड करने के लिए, जनरेटर में हाइड्रोजन लीक ना हो उसके लिए सीलिंग प्रोवाइड करने के लिए इस ऑयल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, लुब्रिकेशन के लिए, गवर्निंग के लिए, और इसके अलावा भी छोटे मोटे कुछ फंक्शन हैं टरबाइन ऑयल सिस्टम के। अब टरबाइन ऑयल सिस्टम में सबसे पहले एक ऑयल टैंक रहता है जिसे हम कहते हैं मेन ऑयल टैंक, और इसके ऊपर कुछ पंप लगे रहते हैं। उन पंप के अलग अलग नाम है, जैसे कि JOP यानी कि जैकिंग ऑयल पंप, इसके अलावा AOP ऑक्सिलरी ऑयल पंप, या फिर हम इसे स्टार्टिंग ऑयल पंप भी कहते हैं। तो इन्हीं के बारे में अब बात करते हैं कि ये पंप किस लिए इस्तेमाल में लिए जाते हैं। सबसे पहले हम जैकिंग ऑयल पंप के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, टरबाइन का शाफ्ट जो है वो जर्नल बियरिंग के ऊपर रेस्ट करता है, और जर्नल बियरिंग में फिल्म लुब्रिकेशन रहता है। तो इस फिल्म लुब्रिकेशन के लिए ऑयल भेजता है JOP स्टार्टिंग में। जब हम यूनिट को स्टार्ट करते हैं बेसिकली, तब हम स्टार्टिंग में JOP को स्टार्ट करते हैं, और JOP तब तक चलता है जब तक टरबाइन का RPM 540 RPM से बढ़ ना जाए। 540 RPM तक जब तक टरबाइन घूमता रहता है, तब तक अमूमन JOP को हम चालू रखते हैं। जैकिंग ऑयल पंप यह जनरल बियरिंग के साथ कनेक्ट रहता है, और जनरल बियरिंग में जो ऑयल है वह सप्लाई करता है स्टार्टिंग के समय में JOP। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शाफ्ट का वजन बहुत ज़्यादा है, इसलिए स्टार्टिंग के समय में बहुत हाई प्रेशर में ऑयल भेजना पड़ता है ताकि शाफ्ट और बैरिंग के बीच में ऑयल की फिल्म बन सके। बहुत हाई प्रेशर में ऑयल उस समय हमें भेजना पड़ता है, इसलिए हम JOP का इस्तेमाल करते हैं, और JOP सबसे हाई प्रेशर में ऑयल भेजता है। तो
शाफ्ट और बेयरिंग, जनरल बेयरिंग के बीच में ऑयल फिल्म बनाने के लिए स्टार्टिंग के समय हम जीओपी का इस्तेमाल करते हैं। यह हाई प्रेशर में ऑयल बेयरिंग के अंदर भेजता है, जिससे कि एक फिल्म बनती है ऑयल की बेयरिंग और शाफ्ट के बीच में। इसके बाद एक और पंप रहता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी ऑयल पंप। ऑक्सिलरी ऑयल पंप या फिर स्टार्टिंग ऑयल पंप, टरबाइन का आरपीएम जब 2800 आरपीएम तक रहता है तब तक हम इसे चालू रखते हैं। इसका भी काम यही है, लुब्रिकेशन के लिए ऑयल भेजना और गवर्निंग सिस्टम के लिए ऑयल भेजना। तो एओपी 2800 आरपीएम तक चालू रखते हैं। 2800 आरपीएम के बाद जब टरबाइन का आरपीएम 2800 के पार हो जाता है, उसके बाद हम मेन ऑयल पंप चालू करते हैं, जो कि टरबाइन के बैरिंग पेडेस्टल में ही लगा रहता है। एचपी टरबाइन के बगल में जो बैरिंग पेडेस्टल रहता है उसी में ये मेन ऑयल पंप लगा रहता है। और 2800 आरपीएम के पहुंचने के बाद मेन ऑयल पंप हम शुरुआत कर देते हैं, और मेन ऑयल पंप उसके बाद लुब्रिकेशन के लिए ऑयल और गवर्निंग सिस्टम के लिए ऑयल भेजता है। और यह मेन ऑयल पंप डायरेक्ट कपल्ड रहता है टरबाइन के शाफ्ट के साथ। तो यही है भाई लोग बेसिकली मेन तीन पंप जो कि आपको पावर प्लांट में देखने को मिलेंगे, इनके नाम सुनने को मिलेंगे। और अगर आप पीजी कर रहे हैं एनपीटी या जेआईपीटी से तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं। तो भाई लोग यही थी कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहता था। बेसिकली जेओपी को हम शुरुआत में ही शुरू करते हैं 540 आरपीएम तक, जब तक टर्बाइन 540 आरपीएम तक नहीं पहुंच जाती। और यह सिर्फ जैक करने के लिए, टरबाइन के शाफ्ट को ऊपर उठाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। इसके बाद एओपी का इस्तेमाल होता है 2800 आरपीएम तक। उसके बाद मेन ऑयल पंप जो टरबाइन के शाफ्ट के साथ कपल्ड रहता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। भाई लोग यही थी कुछ बातें जो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो जरूरी से लाइक करना भाई लोग, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलने वाले हैं। जय जवान, जय किसान।